है। तो ये तो बेटा तुम राजीनामा में लिखा होगा ना तुमने नहीं शर्त में, तभी तो मैं कोर्ट बोलूं। में बताना आप, वहां जाके जहाँ वेरिफिकेशन होगा ना वहां जाके कहना अभी तो केवल इनका पिटीशन है ना। है कि जो कि हस्बैंड है आपका वो न्यूजीलैंड में है और सास भी न्यूजीलैंड में है और नंद भी है, तो इसमें एक्यूज है। तो 498A की FIR प्लेसमेंट भी है ऑन द ग्राउंड ऑफ कंप्रोमाइज मैं कंप्रोमाइज हो रेस्पोंडेंट गया, की, नहीं इसमें वेरिफिकेशन के लिए जाएगा, ये कंप्रोमाइज पेश कर दिया है ना, पेश लेकिन कर दिया है। वेरिफिकेशन के लिए इसमें मिलोड निवेदन था मेरा 12-659। है। आप इसमें कौन फरियादिया की तरफ से हैं? तो जी, उस वाले इसमें राजीनामा पेश कर दिया है आपने? हाँ इसमें 320 का आवेदन मूव है। कहना चाहते हैं सर, बता बता बता। राजीनामा कर रही हूँ क्योंकि तो मेरे घर में बोला, मतलब फादर इन लॉ और मदर इन लॉ ने बोला है, और भी केस हैं, घरेलू हिंसा का भी है और डिवोर्स केस भी है, तो हाँ सब में राजीनामा, मतलब इस केस के बाद में सारे केस खत्म होंगे तो राजीनामा हो रहा है सर, मैं कर रही हूँ इसमें राजीनामा। जी, तो ठीक है, तो इसका वेरिफिकेशन के लिए जाएगी इसमें ना। मिलोड ये है कि जो कि हस्बैंड है आपका वो न्यूजीलैंड में है और सास भी न्यूजीलैंड में है और नंद भी है, तो इसमें एक्यूज है। तो उसमें एप्लीकेशन मैंने मूव की है IA नंबर 12-659 के BC के माध्यम से उनकी अपीयरेंस मान ली जाए, क्योंकि मेन तो ये है, ये एग्री है, तो वो IA अलाउ करती है। कुछ नहीं, अभी हम वेरिफिकेशन जा रहे हैं, वो है तो वो वेरिफिकेशन में ही मिलोड उनकी अपीयरेंस की जरूरत होगी। अब राजीनामा हो रहा है जो हो रहा है, तो यहाँ आना चाहिए ना उनको, यहाँ पर इंडिया में। नहीं, अब आजकल तो मिलोड BC से ले लेते हैं स्टेटमेंट वगैरह, तो और ठीक है, वो ओनली तो कंप्लेनेंट हाँ इज ठीक है, हम हियर। कंप्लेनेंट का है ना, तो वो फिर जी, उसमें मुलजिम वो हस्बैंड का है, हस्बैंड इनका न्यूजीलैंड, हस्बैंड भी वहीं पर है। हाँ, और सास और नंद, तो BC के माध्यम से उनकी अपीयरेंस मान ली जा सकती। एक लाइन और डाल देना ना, वेरिफिकेशन इसके लिए प्रेजेंस ऑफ पिटिशनर्स है ना वो। पिटिशनर 1, 3 एंड 4। प्रेजेंस ऑफ पिटिशनर्स एंड बी सिक्योर, डेट मिलो एक्सपर्ट। अभी रुक जाए आप, ऐसे ऐसे लेना पिटिशनर्स में रिमेन प्रेजेंट वीडियो कॉन्फ्रेंस। ठीक सर, प्लीज दिस केस। अच्छा, फॉर कब जाएंगे वेरिफिकेशन के लिए? वेरिफिकेशन कोई भी डे की डेट लगा दो आप, है ना, जुलाई लास्ट वीक में दे दें, वेरिफिकेशन इतनी लंबी वेरिफिकेशन के लिए नहीं जाएगी, वेरिफिकेशन के लिए। के लिए 20 लगा दो, यहाँ 24 कर दो, 20 के लिए वहाँ रजिस्ट्रार साहब के हैं ना, जी और 24 तारीख की डेट यहाँ पर। मुझे इतना और कहना है कि इस केस के बाद में मुझसे बोला है कि दोनों केस भी खारिज होंगे, मतलब मैं, मेरी बच्ची भी नहीं, है। तो ये तो बेटा तुम राजीनामा में लिखा होगा ना तुमने नहीं शर्त में, तभी तो मैं कोर्ट बोलूँ। में बताना आप, वहां जाके जहाँ वेरिफिकेशन होगा ना वहां जाके कहना अभी तो केवल इनका पिटीशन है ना, तो आप उसमें लिखवाना जैसा हमारा आने जो भी केसेस हैं वो सब में राजीनामा हो रहा है, जो भी हो रहा है, तो वो केस तुम्हारे हैं कि तुम्हारे खिलाफ हैं? दोनों एक घर दोनों के के खिलाफ है, डिवोर्स फाइल किया हुआ है दोनों, हाँ सब में ही हाँ राजीनामा, मीन्स इस केस के बाद में हाँ विड्रॉ कर लेंगे। वो क्या फैमिली वाले कोर्ट वाले विड्रॉ कर लिए क्या?
नहीं अभी पेंडिंग है वहाँ। थोड़ी फिर इसमें कैसे हो जाएगा सर? तो एक्स पार्टी तो सर फिर से ओपन हो तो सकता है। एक्स विड्रो। पार्टी मींस विड्रॉ करना है अरे राजा मेरा मंत्री ये से कहना है एक्स कि जो पार्टी केसेस आपने फाइल करे उनको आप विड्रो तो करो, जी मिलोट। नहीं तो क्या होगा फिर, ये हो गया और आपने यहाँ इसमें करा लिया, वहां करा नहीं आपने। जी सर मैं वही बोल नहीं रही हूँ। नहीं वो ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ दिस पिटीशन हम विड्रो कर लें, हाँ हम विड्रो कर लेंगे। हाँ तो आप वो कर लो आप पहले, नहीं तो ऐसा ना हो गया। वो तो मान न्यूजीलैंड में बैठे हुए है ना, और यहाँ केस है ना वो चलते रहे और ये केस खत्म हो जाए 498 है ना। नहीं, हाँ तो विड्रो करें आप इसमें, ठीक है मजा है।